उदयपुर की अंबामाता थाना पुलिस ने अंबावगढ़ स्थित कैफे में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर दबिश दी है। हुक्के व बियर को जब्त कर 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। थाना अधिकारी डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि अंबावगढ़ स्थित सफायर होटल के रूफटॉप पर ब्रह्मा कैफे संचालित हो रहा था, जहां पर अवैध रूप से हुक्का बार चल रहा था, जिस पर पुलिस की टीम को सूचना मिली। इस पर पुलिस की टीम ने वहां दबिश दी, जहां ग्राहकों को तंबाकू से भरा हुक्का पिलाया जा रहा था। पुलिस ने रेस्टोरेंट के कर्मचारी खेरवाड़ा निवासी लोकेश मीणा, अजमेर निवासी विशाल और कालीवास नई निवासी प्रवीण को गिरफ्तार किया है। कैफे संचालक मौके पर नहीं मिला। टीम ने 7 हुक्का सेट और 8 फिल्टर पाइप और फ्लेवर जब्त किए हैं।